साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की देन यह जगत नहीं दे सकता। खालसे पंथ नूं एक ऐसी पहचान दित्ती कि अज दूर दूर एक अकला सिंह लखां दी भीड़ चों पहचाणिया जा सकता है। एक ऐसी कौम जिसका अपना कोई वजूद नहीं सी उस नूं अज दुनिया दे विच वड्डे वड्डे अहुदियां दे उत्ते बिठा दिता। अमृत की दात बख्श के चिड़िया तो बाज ते गिदड़ां तो शेर बनाए ते मनुखता दी रक्षा दे लई किरपान चंडी दा रूप धार के बख्शी। अनेकां ही बार खालसे दीआं फौजां ने सिंघां ने गरीबां मजलूमां इस भारत देश नूं बचाया ते गुरु गोबिंद सिंह जी दी साजी होई इह सूरबीरां दी फौज अज वी संजीव है शहीदां सिंघां दे रूप दे विच। जो लोग शहीदां सिंघां दे वजूद ते शक करदे हन ओह शहीद बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान ते जा के संगतां दी असीम शरदा भावना सेवा तो अंदाजा लगा सकते हैं कि शहीद सिंघां दी कृपा किवें अज वी इस दुनिया दे उत्ते वरस रही है। शहीदां सिंघां दी होद नूं सच करदी होई साडी अज दी इह घटना दिल्ली वर्गे वड्डे शहर दी है जिथे एक गुरसिख गरीब परिवार की बच्चियां नूं एक अमीर ज़्यादा तंग परेशान करता सी ते जदों कोई कानून कोई बंदा सहाई ना होया तो किवें शहीदां सिंघां दे पहरे ने उस अमीरजादे नूं सोधा लगाया इस गल दा अंदाजा तुसी उस सारे इलाके दे डर तो लगा सकते हो। यह घटना उस इलाके मायापुरी दे विच दुकान करदे एक व्यक्ति ने सांझी कीती जिस दीआं अखां दे सामने यह सब कुछ हुंदा सी ते उस दी उस परिवार दे नाल चंगी नेड़ता सी। मायापुरी दे इलाके दे विच गुरदेव सिंह कोशर नाम दा एक ऑटो ड्राइवर रहिंदा है जो कि गुरसिख अमृतधारी सिंह हन। उन्हां दा एक छोटा जिहा परिवार जिस विच उन्हां दी पत्नी ते दो बच्चियां हन ते अपना घर भी है। गुरदेव सिंह ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके ऑटो चला चला के अपना परिवार खड़ा किया ते अपनियां लड़कियां नूं वधिया सिक्ख्या दित्ती। दसण वाले दसदे हन कि परिवार बड़े शांत सुभाअ दा सी ते कोई बैर विरोध भी नहीं सी। लड़कियां भी पढ़ाई दे विच होशियार सी, कोई किसे तरह की कोई समस्या नहीं सी। फिर कुछ समय बाद ही लड़कियां नूं कॉलेज जांदियां नूं हाले एक साल ही होया सी तां परिवार परेशान रहन लग्या तां उस दुकानदार ने गुरदेव सिंह दे कोलों परेशानी दा कारण पुछया। पहला तां उसने कोई गल खुल के नहीं कीती ते बाद विच उसने दसिया कि कुछ कु दिनां तों एक लड़का मेरियां लड़कियां नूं परेशान तंग कर रहा है। लड़कियां ने घर आ के गल कीती पर मैं कुछ कर नहीं सकता ते मैनूं कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उस दुकानदार ने कहा कि असी कॉलेज विच जा के गल कर लेंदे हाँ। फिर वह दोनों कुछ बंदियां नूं लै के कॉलेज विच गल करन गए पर पता लग्या कि वह लड़का कॉलेज विच नहीं पढ़ता सो हुण वह कुछ भी नहीं कर सकते सी। पर वह लड़के दीआं हरकतां दिन पर दिन वधदीआं जा रहीआं सी। फिर एक दिन बंदियां ने इकट्ठे हो के उस लड़के नूं घेर लिया पर वह बंदा वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे विच चार पंज लड़कियां दे नाल सी ते वह लड़के किसी की गल नहीं मन रहे सी। पैसे का रोब उन्हां दे सिर चढ़ के बोल रहा सी। सो समय दे नाल नाल जदों गल बसों बाहर हो गई तां गुरदेव सिंह ने पुलिस दे विच रिपोर्ट लिखवाई पर पता उदों चलिया जदों पुलिस ने भी कुछ कार्रवाई नहीं कीती ते इह भी क्लीयर हो गया कि वह किसी अमीर कारोबारी का एक लड़का है ते पैसों के जोर दे नाल वह पुलिस नूं भी कुछ नहीं समझता। पुलिस की रिपोर्ट तो बाद उस दीआं हरकतां होर भी बढ़ गईआं। लड़का हर रोज़ मुहल्ले घर दे बाहर आउण लग्या। उस दुकानदार ने दसिया कि उन्हां दी दुकान दे अगे ही ये सब कुछ हुंदा सी। सो आखिर गुरदेव सिंह ने अपनी लड़कियां नूं घरों बाहर भेजना ही बंद कर दिता। परेशान बाप होर की कर सकता सी। पर वह लड़के हट नहीं रहे सी। परेशानी विच गुरदेव सिंह बीमार रहन लग्या ते वह मंजे ते ही पै गया। परेशानियां होर भी वध गईआं। एक अकला कमाउण वाला सी हुण वह भी मंजे दे उत्ते पै चुका सी। एक दिन हार टुट के गुरदेव सिंह मंजे ते ही पिया अंदर ही अंदर परमात्मा दे नाल गिला कर रहा सी कि हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हुण साडी रक्षा कौन करेगा, कौन साडा सहाई बनेगा, कानून लोक सारे साथ छड्ड गए हन, मेरे कोल इन्ना पैसा भी नहीं जो मैं अपने लिए कुछ कर सकां, मैं हुण कित्थे जावां। जे अज संत जरनैल सिंह जी जिंदा हुंदे तां किसे दी जरूरत नहीं पैणी सी कि साडियां लड़कियां इज्जतां उपर अख भी चुकण, अज मैं किस दे कोल फरियाद लै के जावां। सो दो दिन बाद उन्हां दे घर गुरद्वारा साहिब दे ग्रंथी आए जो गुरदेव सिंह दी खबरसार लैण आए सी। गल्ला गल्ला दे विच ग्रंथी सिंह दे मूहों निकल गया कि तुहाडी रक्षा बाबा दीप सिंह जी ते शहीद सिंह ही कर सकते हन। तुसी सुखमनी साहिब दा पाठ करके बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान ते हाजरी लगाओ ते अरदास करो। परिवार ने देरी ना करके अमृत वेले 2 बजे उठ के सुखमनी साहब की सेवा करनी शुरू की। सारे परिवार ने हर रोज़ अजिहा करना। परिवार पूरे 3 हफ्ते बाहर नहीं निकलिया ते 3 हफ्तों बाद अरदास करके वह ट्रेन दे विच बैठ के सीधा अमृतसर साहब पहुँचे ते बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान ते जाके हाजरी भरी। उत्थे अरदास की
ਅਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। 1 ਹਫ਼ਤਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ 1 ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।